हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 24 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है, क्लॉज अलाउिंग FIR अगेंस्ट फर्म्स फॉर COVID-19 केसेस गोज। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बताया गया है, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था इंडस्ट्रीज़ में। इट वॉज बिलीव दैट स्टेट्स में टेक लीगल एक्शन अगेन दोज कंपनीज़ जिनके यहाँ एम्प्लॉयज़ को COVID-19 पाया जाए। यानी कि अगर किसी कंपनी में काम करते हुए किसी एम्प्लॉयज़ को COVID-19 का इन्फेक्शन है तो ऐसी कंपनी के CEO को जेल हो सकती है। इस तरह की कुछ जो एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो गया था जो मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, उसके बाद कंपनीज़ और इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बड़ा कंसर्न बन गया था। तो उस कंसर्न को क्लियर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोविज़न को हटा दिया है, और जो नई अभी गाइडलाइंस आई हैं उसमें सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी को यह इंश्योर करने के लिए बोला गया है कि इस तरह का कोई भी मिसगाइडेड या मिसकंसेप्शन किसी के दिमाग में नहीं हो, और सारे मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को इस जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, गाइडलाइंस है, उसको क्लियर तरीके से ब्रीफ किया जाए, क्लियर तरीके से बताया जाए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मिनिस्टर की तरफ से आई है, कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से आई है। उन्होंने बोला है कि देर इज़ नो इंटेंशन ऑफ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सड ऑन ओनर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन डिटेक्शन ऑफ COVID-19 पॉजिटिव केसेस। और ऐसी जो गाइडलाइंस थी उनमें और ज़्यादा क्लैरिटी ला के वो गाइडलाइन रिलीज़ कर दी गई हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये क्लैरिटी दी गई। मिनिस्टर के द्वारा यह भी कहा गया है कि इंडस्ट्रीज़ अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती हैं बिना किसी डर के। इंडस्ट्रीज़ कैन स्टार्ट प्रोडक्शन फियरलेसली, और ये इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बात की गई है। यहाँ पर एक और न्यूज़ है, इंडस्ट्रीज़ कांट बी फोर्स टू पे। कमिटी ऑन लेबर के द्वारा ये बोला गया है अपनी रिपोर्ट में। कमिटी ऑफ लेबर पार्लियामेंट की एक कमिटी है जो लेबर से रिलेटेड जितने भी इशूज़ होते हैं, जितने भी मुद्दे होते हैं उनको डिस्कस करती है। तो इस कमिटी का काम है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 को डिस्कस करना। इंडस्ट्रियल कोड 2019 एक कोड है जो 2019 में स्टार्ट किया गया था। 3 लेबर के मुद्दों से रिलेटेड कानून को अमेंड करने के लिए, और लेबर रिलेटेड जो 3 कानून हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड स्टार्ट किया गया था। अब ये कौन कौन से 3 कानून हैं ये देख लेते हैं। पेज नंबर 8 पे इससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 के बारे में देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 एमलगमेशन है 3 लॉज का, 3 कानून है इसमें। पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, देन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, और तीसरा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। जो ये 3 एक्ट हैं ये मिलकर बनाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019। ये कानून कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946। इन तीनों कानून को अमेंड करने के लिए इनका जो मैनेजमेंट है वो सिंगल एक कोड में कंबाइन कर दिया गया था 2019 में, और इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019। ये जो लॉ है इससे रिलेटेड वो लोकसभा ने नवंबर महीने में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद लोकसभा से इसको स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर के पास भेज दिया गया। तो स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर अभी रिसेंटली इस कानून से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको डिस्कस कर रही है, और इस स्टैंडिंग कमिटी के द्वारा ही रिकमेंडेशन दिया गया जिसकी बात इस आर्टिकल में की गई है। तो कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है, कमिटी का रिकमेंडेशन है कि इंडस्ट्रीज़ कांट बी फोर्स टू पे वेजेस। इंडस्ट्रीज़ को फोर्स नहीं किया जा सकता वेजेस पे करने के लिए, और ऐसा अगर नेचुरल कैलेमिटी की कंडीशन बनती है, नेशनल कैलेमिटी की कंडीशन बनती है, तो ऐसे केस में इंडस्ट्रीज़ को फोर्स नहीं किया जा सकता। ये जो स्टैंडिंग कमिटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं भातृहरि मेहताब, इनके द्वारा हेड की जा रही है ये कमेटी। अब कमेटी ने स्पेसिफिकली क्या बोला है, कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स
अनटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज मे बी अनजस्टिफाइड। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो इंडस्ट्रीज़ को फोर्स करना वर्कर्स को पेमेंट देने के लिए यह अनजस्टिफाइड होगा, ऐसा इस कमिटी के द्वारा रिकमेंड किया गया है जिसको हेड करते हैं भारतहरि मेहताब। कमिटी ने बोला है कि अगर 45 डेज तक ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पावर, कोल, रॉ मटेरियल और कोई नेचुरल कैलेमिटी की कंडीशन बनती है तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ को 50% पे करना पड़ता है अगर वो किसी वर्कर को ले ऑफ करेंगी तो। लेकिन अगर नेचुरल कैलेमिटी के केस में ऐसी कंडीशन बनती है कि कोई अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, तो उस केस में क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज़ बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है, हो सकता है लंबे पीरियड तक भी इंडस्ट्रीज़ बंद हो। ऐसे केस में एम्प्लॉयर का कोई दोष नहीं है, एम्प्लॉयर का कोई फॉल्ट नहीं है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इसलिए एम्प्लॉयर को फोर्स करना पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए ये अनजस्टिफाइड होगा। हालांकि इस कमेटी में इनकी इस रिकमेंडेशन के बाद कमेटी के कुछ मेंबर्स ने ही अपोज़ भी किया है। उनका मानना है कि ऐसे केस में जिस समय वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि उनके पास अर्निंग बहुत कम है और उनको कहीं ना कहीं उनकी जो सैलरी है वो मिलनी चाहिए, बिकॉज उनका लाइवलीहुड केवल सैलरी और उस छोटे मोटे जो भी वेजेस मिलते हैं उन पे डिपेंड करता है, अदरवाइज़ उनका घर नहीं चलेगा। तो उस मुद्दे को लेकर भी कुछ मेंबर्स के द्वारा अपोज़ किया गया। बट अभी के टाइम में जो लेबर की स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर का रिकमेंडेशन, दूसरा है इसके जो चेयरमैन हैं, तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये तीन चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब वापस पहले पेज पे आ जाते हैं और बाकी न्यूज़ देखते हैं। लॉकडाउन एनश्योर ग्रोथ ऑफ केसेस रिमेन्ड लीनियर। गवर्नमेंट का कहना है कि लॉकडाउन के कारण जो COVID-19 के इन्फेक्शन से रिलेटेड केसेस हैं उनका जो ग्रोथ है वो लीनियर रहा है। बिकॉज नॉर्मली जो ग्रोथ देखा गया COVID-19 का वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा गया, एक्सपोनेंशियल मतलब इसका राइज बहुत ज़्यादा तेज़ गति से देखा गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि लॉकडाउन के कारण ये एक्सपोनेंशियल ना होके लीनियर है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अभी अगर हम पूरे केसेस देखें तो अभी तक टोटल केसेस की संख्या 21,000 के पार जा चुकी है, 21,700 केसेस हो गए हैं, और जिसमें से कल की डेट में केवल एक दिन में 1409 नए केसेस आए हैं। रिकवरी रेट इंडिया में अभी 19% के करीब है, रिकवरी 19%। यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है उसमें ग्रोथ रेट बताया जा रहा है इंडिया और बाकी कंट्रीज़ का। जो यूएस है सबसे टॉप पे, इसका ग्रोथ रेट यहाँ पर देख सकते हैं आप। यूएसए में ये यूएसए का ग्राफ जो ग्राफ है कितनी तेज़ी से बढ़ा है यहाँ पर, और अब थोड़ा सा कांस्टेंट होता हुआ दिख रहा है। इंडिया का जो ग्राफ है वो ऑरेंज लाइन से दिखाया गया है। इंडिया का ग्राफ भी यूएसए की तरह ही थोड़ा बढ़ा है लेकिन अब फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। हालाँकि अभी भी जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, डीए फॉर सेंट्रल स्टाफ फ्रोजन टिल जुलाई 2021। सेंट्रल स्टाफ और सेंट्रल एम्प्लॉइज़ का डियरेंस अलाउंस को 2021 के जुलाई महीने तक फ्रीज कर दिया गया है, यानी जुलाई महीने तक अब कोई डीए जिस रेट पे दिया जा रहा है उसी रेट पे दिया जाएगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा डीए पे। डीए डियरेंस अलाउंस कहलाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है इन्फ्लेशन के बेसिस पे, और ये जो अलाउंस है ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है, और इंडिया में जितने पेंशनर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको दिया जाता है। डियरेंस अलाउंस को कैलकुलेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी, और इसका मेजर काम है इम्पैक्ट का, जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको कम किया जाए, इसलिए ये डियरेंस अलाउंस इन्फ्लेशन के साथ दिया जाता है। डीए का जो कैलकुलेशन है वो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इंडेक्स के बेसिस पे किया जाता है। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। फ्रीजिंग ऑफ डियरेंस अलाउंस टू सेंट्रल एम्प्लॉइज़ एंड डियरेंस रिलीफ। तो डियरेंस अलाउंस और डियरेंस रिलीफ इन दोनों को फ्रीज कर दिया गया है टिल जुलाई 2021। नेक्स्ट न्यूज़ है, डीआरडीओ डेवलप्स मोबाइल वायरोलॉजी लेबोरेटरी। डीआरडीओ के द्वारा एक मोबाइल वायरोलॉजी लेबोरेटरी बनाई गई है टू कैरी आउट COVID-19 डायग्नोसिस और वायरस कल्चरिंग फॉर वेरियस थेरेपीज। इस लेबोरेटरी में COVID-19 के डायग्नोस्टिक रिलेटेड रिसर्च की जाएगी और वायरस को कल्चर
किस तरह से किया जाए और अलग अलग थेरेपीज़ में इन कल्चर्स का यूज़ किया जाए, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए मोबाइल वायरोलॉजी लेबोरेटरी बनाई गई है। और ये मोबाइल वायरोलॉजी लेबोरेटरी है, मोबाइल है चूँकि, तो इसको कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, इसका पूरा नाम है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, और इसको इनॉग्रेट किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, MVRDL। ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, और DRDO के साथ साथ ESI हॉस्पिटल एम्प्लॉय स्टेट्स इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ने साथ में मिलकर इसको डेवलप किया है। मोबाइल लैब विल बी हेल्पफुल इन कैरिंग आउट डायग्नोसिस ऑफ COVID-19 एंड वायरस कल्चरिंग फॉर ड्रग स्क्रीनिंग, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा डराइव थेरेपीज, कॉम्प्रिहेंसिव इम्यून प्रोफाइलिंग की जा सकती है यहाँ पर पेशेंट्स की, और वेरियस थेरेपी से रिलेटेड वैक्सीन को डेवलप करने के भी काम किए जाएंगे इस लेबोरेटरी के द्वारा। अर्ली क्लिनिकल ट्रायल स्पेसिफिक टू इंडियन पॉपुलेशन जो भी होंगे वो इस लेबोरेटरी के द्वारा किए जाएंगे, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड भी काम है, COVID-19 से रिलेटेड जो वायरस है उस वायरस के बारे में भी काम किए जाएंगे, अलग अलग थेरेपीज़ में जो वायरस की कल्चरिंग से रिजल्ट मिलेंगे उनसे रिलेटेड काम भी किए जाएंगे, इम्यून सिस्टम को करने के लिए इंडियन पॉपुलेशन के स्पेसिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट और क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएंगे इस लेबोरेटरी में। और ये जो लेबोरेटरी है ये अभी हैदराबाद में डेवलप की गई है। MVRDL ये कॉम्बिनेशन है बायो सेफ्टी लेवल के थर्ड लैब और सेकेंड लैब का। बायो सेफ्टी लेवल वो एक लेवल है जिसके बेसिस पे लेबोरेटरी स्टैंडर्डाइज की जाती है, तो उसके BSL-2 लैब और BSL-3 लैब का एक कॉम्बिनेशन है, और इसको 15 दिन में इस्टेब्लिश किया गया है, और यहाँ पर 1,000 से लेकर 2,000 सैंपल्स को एक दिन में प्रोसेस किया जा सकता है। इसको जो बेसिक स्टैंडर्ड है ये WHO के साथ साथ ICMR के स्टैंडर्ड को भी फॉलो करता है, यानी कि इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे यह लेबोरेटरी सारे स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करती है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मोबाइल वायरोलॉजी लेबोरेटरी किसके द्वारा बनाई गई, तो इसका आंसर रहेगा DRDO। DRDO ने ESI हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ये लेबोरेटरी बनाई है। सेकेंड न्यूज़ इसी पेज पे है, कामाख्या टेम्पल फेस्टिवल कॉल्ड ऑफ। कामाख्या टेम्पल फेस्टिवल असम स्टेट में होता है, और इसको पहली बार हिस्ट्री में कॉल ऑफ किया गया है, यानी कि इसको कैंसिल किया गया है। कामाख्या देवी टेम्पल है असम में, इससे पहले भी हमने असम में एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था जिसको कॉल ऑफ कर दिया गया था, वो फेस्टिवल था अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला भी असम में मनाया जाता है, और कामाख्या टेम्पल फेस्टिवल भी असम का ही फेस्टिवल है जो असम के कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। इसकी जो लोकेशन है कामाख्या टेम्पल की, वो लोकेशन है नीलांचल हिल्स, असम में नीलांचल हिल्स में, जहाँ पर नॉर्थ फेस पे नॉर्थ नदन स्लोप है उस हिल का जहाँ पर ये स्थित है, और नदन स्लोप सीधे जाके ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाता है। तो नीलांचल हिल ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है कामाख्या टेम्पल की। कामाख्या टेम्पल के बारे में अगर हम देखें तो ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ ऑल ओवर इंडिया 51 माने जाता है, 51 शक्तिपीठ हैं टोटल, और इसमें से एक शक्तिपीठ है कामाख्या जिसको होली साइट माना जाता है, और जो शक्ति कल्ट के फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलीजियस और बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल माना जाता है इस लोकेशन को। और ये सारे शक्तिपीठ शक्ति कल्ट के फॉलोअर के लिए बहुत होली प्लेसेस हैं। हर एक शक्तिपीठ सती माता के बॉडी को पार्ट को प्रेजेंट करता है। सती जो लॉर्ड शिवा की कंपेनियन मानी जाती हैं उनके एक बॉडी पार्ट को ये 51 शक्तिपीठ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी बात के लिए जो कामाख्या टेम्पल है एक शक्तिपीठ होने के कारण काफ़ी होली प्लेस है शक्ति कल्ट के लिए। तो यहाँ पर कामाख्या टेम्पल असम की बात की हमने। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, यहाँ पर एक लोकेशन की बात की गई है, ईरान वाउज टू हिट बैक इफ थ्रेटन। ईरान ने अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च किया है, और उसके बाद ईरान और यूएसए के बीच जो टेंशन है दोबारा से और ज़्यादा बढ़ गई है। यूएसए के जो वॉरशिप हैं वो बिल्कुल तैनात हो गए हैं पर्शियन गल्फ में, और
ईरान ने भी ये बोला है कि पर्शियन गल्फ में अगर यूएसए अपनी जो लिमिट है उसको क्रॉस करेगा या ईरान की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा तो ईरान उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। तो इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद जो पर्शियन गल्फ में पूरा सिक्योरिटी का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा टेंस हो गया है। अब यहाँ पर लोकेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर्शियन गल्फ। तो यहाँ पर हम पर्शियन गल्फ के बारे में देख लेते, ये मैप में पर्शियन गल्फ देख सकते हैं। यहाँ पर पर्शियन गल्फ को जितनी कंट्रीज़ नेबर करती हैं, जितनी कंपनी टच करती है वो इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि पर्शियन गल्फ को के साइड में ओपन होने वाली कितनी कंट्री है या पर्शियन गल्फ को टच करने वाली कितनी कंट्री है। तो ये कंट्रीज़ हैं मेनली ईरान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। ओमान के दो पार्ट हैं, यहाँ पर ओमान का एक मेजर पार्ट तो यहाँ पर नीचे है और एक बिल्कुल टिप पॉइंट पे भी ओमान का एक पार्ट है जो पर्शियन गल्फ को टच करता है। बाकी जो पूरा कंप्लीट ओमान का मेन लैंड है वो गल्फ ऑफ ओमान को टच करता है। अगर हम दो वाटर बॉडीज़ को देखें तो यहाँ पर ये है पर्शियन गल्फ और यहाँ पर है ओमान। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गल्फ़ ऑफ पर्सिया या पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को टच कर को कनेक्ट करने के लिए कौन सी वाटर स्ट्रेट है, कौन सी स्टेट टच करती है दोनों वाटर बॉडीज़ को। तो इसका आंसर होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये जो कंट्रीज़ हैं और ये जो गल्फ़ हैं और गल्फ़ को कनेक्ट करने वाली स्टेट है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्शियन गल्फ से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ टच करती हैं पर्शियन गल्फ़ को। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब बिजनेस पेज पे न्यूज़ है, रिपो ऑपरेशन गेट्स पुअर रिस्पॉन्स। आरबीआई के द्वारा लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन प्लान किया गया था जिसको नाम दिया गया था टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन के थ्रू एनबीएफसी सेक्टर में जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाने की जो एफर्ट्स हैं वो आरबीआई ने किए थे। बट जो रिस्पॉन्स बैंकों का देखा गया है इस ऑपरेशन के बाद, बैंकों का जो रिलक्टेंस है उसके कारण ये रिपो ऑपरेशन को जो फ़र्क पड़ना चाहिए था वो पड़ता हुआ नहीं दिख रहा, जिसके कारण लिक्विडिटी की जो शॉर्टेज है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को, वो शॉर्टेज जस की तस बनी हुई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अब इसमें आरबीआई ने 50% का जो अमाउंट देना था उस अमाउंट के बाद बैंकों की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं देखा गया। बैंकों ने जो रिक्वायरमेंट देनी थी आरबीआई को वो नहीं दी, जिससे लग रहा है कि बैंक बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है। इसमें हम टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं। ये एक ऑपरेशन है जिसके द्वारा आरबीआई बैंकों को पैसा देगा, करीब 50,000 करोड़ का ये जो पूरा ट्रांजेक्शन वो करना था आरबीआई को। इसमें आरबीआई बैंकों में पैसा देगा रेपो रेट से सस्ते रेटों में, ताकि बैंकों के द्वारा फर्दर बैंक आगे चलकर इनको एनबीएफसीज में इन्वेस्ट करें। और वो इन्वेस्टमेंट भी टारगेटेड ही होना है, यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो स्पेसिफिक सेक्टर में ही जाना चाहिए। अगर 50,000 करोड़ रुपए मिल रहा है बैंकों को, ये केवल स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ में ही जाएगा। और ये स्पेसिफिक सिक्योरिटी जिनमें जाना था वो सिक्योरिटीज़ होंगी इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल NCDs, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ये तीन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करने थे बैंकों को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, ताकि इस जो अमाउंट के बहाने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पैसा चले जाए और पैसा भी इन टारगेट इन्वेस्टमेंट मॉडल पे ही जाए, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स में जाए, कमर्शियल पेपर्स में जाए और डिबेंचर्स में जाए। इसमें से भी 50% का जो टोटल फंड है ये केवल स्मॉल और मिड साइज़ की NBFCs को ही जाना था। बट बैंकों ने जो अपना जो बैंकों को पैसा लेना था आरबीआई से, वो उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की, नोटिफाई नहीं किया आरबीआई को, जिससे लग रहा है कि बैंक बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को लेकर। और इनका रिलक्टेंस का एक जो रीज़न है वो माना जा सकता है कि बैंक रिलक्टेंट हैं स्मॉल और मीडियम साइज़ के NBFCs में पैसा लगाना,
कहीं ना कहीं बैंकों को लगता है कि स्मॉल NBFCs में पैसा लगाना रिस्की हो सकता है, जहाँ पर बैंकों की हालत खुद बहुत ख़राब है वहाँ पर और ज़्यादा हालत ख़राब हुए सेक्टर पर पैसा लगाना बैंकों के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए शायद बैंकों ने ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिवर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया है? RBI के द्वारा। किस लिए किया गया है? NBFC सेक्टर में, NBFCs में लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा आर्टिकल है लिस्टेड फर्म्स कैन रेज फंड्स 6 मंथ पोस्ट बायबैक ऑफर। अब लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए मार्केट में सेबी ने, कल भी हमने पढ़ा था, सेबी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो की जाती है उसमें थोड़े से नॉर्म को ढीला किया था, और उसके बाद जो बायबैक ऑफर्स कंपनीज करती हैं उसके बाद पैसा को फंड रेजिंग के लिए उन कंपनीज़ के लिए भी थोड़े से नॉर्म रिलैक्स किए गए हैं। तो सेबी और RBI दोनों अपने अपने लेवल पे जो लिक्विडिटी की कंडीशन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इसी एक कोशिश में सेबी ने भी बायबैक ऑफर पे रिलैक्सेशन दिया है। अब बायबैक ऑफर्स क्या होते हैं? बायबैक नॉर्मली कैपिटल मार्केट का ये इंस्ट्रूमेंट है। इसमें बायबैक से मतलब है बायबैक ऑफ शेयर्स, किसी कंपनी के द्वारा जो शेयर्स बेचे गए हैं उन शेयर को वापस खरीदने की प्रोसेस बायबैक कहलाती है। बायबैक करने वाली कंपनी अब मार्केट प्राइस पर शेयर होल्डर से वापस उन शेयर्स को ख़रीद लेती है, और जो उसने ओनरशिप कहीं ना कहीं लोगों को या किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को दी थी वो वापस ओनरशिप वापस मिल जाते हैं उसे। तो ये काफ़ी पॉपुलर तरीका है शेयर मार्केट में, और जब भी कंपनी के बाद अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है तो वो वापस अपने शेयर ख़रीद लेती है। इस न्यूज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है एक तो बायबैक ऑफर, दूसरा सेबी। सेबी के बारे में हम फिर से जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो इंडिया में सिक्योरिटीज़ मार्केट और कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, और इसको स्टैटूटरी पावर दी गई थी 1992 में थ्रू सेबी एक्ट 1992। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।